चैत्र नवरात्रि के एक दिन पहले साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। 8 अप्रैल रविवार चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को यह ग्रहण लगेगा। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक यह ग्रहण विक्रम संवत 2080 का आखिरी ग्रहण है। इसके अगले दिन हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 की शुरुआत हो जाएगी, इसलिए इस ग्रहण को काफ़ी अहम माना जा रहा है। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि 8 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात्रि 9:12 पर प्रारंभ होगा, जो मध्य रात्रि में 2:22 तक रहेगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। कि इस बार सूर्य ग्रहण जो है साल का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र कृष्ण अमावस्या के दिन लग रहा है, लेकिन यह ग्रहण जो है भारत में दिखलाई नहीं देगा। यह ग्रहण जो है बाहर दिखलाई देगा, विदेशों में दिखलाई देगा, इसका असर भारत में दृश्य नहीं होगा। ग्रहण के सूर्य ग्रहण के 12 घंटा पहले सूतक लगता है और चंद्र ग्रहण के 9 घंटा पहले सूतक लगता है। तो इस बार जो ग्रहण का प्रारंभ हो रहा है वह रात को 9:12 से लेकर के रात्रि में 2:22 तक है, और यह ग्रहण जो है अमेरिका, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और दक्षिण प्रशांत महासागर, उत्तर अटलांटिक महासागर में दिखलाई देगा। यह भारत में यह ग्रहण दृश्य नहीं होगा, इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के बराबर होगा। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूतक काल का असर भारत में नहीं होगा। सूतक का असर जो भी होगा वह विदेशों में जहां लग रहा है, जहां सूतक लगता है, सूतक का जो है प्रभाव वहीं होता है, सब जगह नहीं होता। जहां ग्रहण लगेगा, जिस कंट्री में, जिस देश में ग्रहण लगेगा, वहीं सूतक प्रभावी होगा। तो भारत में यह सूतक प्रभावी नहीं होगा, भारत में इसको डरने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह का कोई जो है यहाँ प्रभाव नहीं होगा।